तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और हम दिखाने जा रहे हैं आपको, क्या दिखाने जा रहे हैं कि बीम भरते टाइम आपको क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप देख लीजिए, ये कॉलम भरे हुए हैं यहाँ पे ज़मीन के बराबर। तो उसमें क्या है, अधिकतर भैया लोग या फिर मकान मालिक है या मिस्त्री भाई है, वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट कॉलम भरने के बाद उसके ऊपर ही डायरेक्ट मतलब बीम को चढ़ा देते हैं और बीम को भर देते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि कोई सा मान लो कि तार अगर खाली रह गया तो उस जगह पे वो तार क्या है, सड़ जाता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, नीचे एक रद्दा जोड़ दीजिए ताकि वो तार मतलब खाली ना रहे उसमें। वैसे तो अधिकतर जगह पे क्या है कि नीचे से नींव भरा के आती है, लेकिन हमारे इधर क्या है थोड़ा पत्थर ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे नींव भर के नहीं लाते हैं। मगर एक बात का आप ये खास ख्याल रखिएगा ताकि आपका जो तार रहते हैं सरिए वो खाली ना रहे, तो सरिए सड़ेंगे भी नहीं उसमें। तो ये बात इसी वजह से ये वीडियो बनाया गया है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जुड़ाई कर दीजिए एक रद्दे की पूरी, और जुड़ाई करने के बाद ही आप उस पर बीम रखिए, बीम रखने के बाद ही भरिए। तो उसमें क्या है कि मकान मालिक का भी ज़्यादा फायदा है और आपका तो है ही सही फायदा। मान लो एक ईंट जुड़ गई तो उसके पैसे तो आपको मिलेंगे ही सही। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो। उसमें क्या है कि मान लो आपने ईंट जोड़ दी तो उसमें आपका बीम भी पूरा एक लेवल में रखाएगा समतल जगह पे, ताकि कई जगह से ऊंचा कई जगह से नीचा रह जाता है, वो दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें आप इस बात का कि एक रद्दा पूरा सलग बीम रखने के बाद ही भरिए उसको, ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। और कभी भी क्या होता है कि बीम रख दिए अपने तो क्या है, बारिश का जो पानी लगता है उसमें तो ये दिक्कत आती है सरिये के सड़ने की। तो ये बात का खास ध्यान रखें आप। ये देख लीजिए पूरा वीडियो में पूरा रद्दा जोड़ दिया गया है उसमें, ऐसा आप ध्यान रखना हमेशा इस बात का। और वीडियो को देखते रहे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।